जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मुहतरम, कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। अच्छा जी उस्ताद जी, मेरा ये सवाल है कि हम ना किसी कंपनी में मुलाजम है, और वहाँ कंपनी में जो सालन पक जाता है वो चनों का होता है, और चने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। मतलब वो हम पूछना चाहते थे कि काले चने होते हैं और वो जो सफ़ेद चने होते हैं वो जो सालन बच जाते हैं सर, अब अगर उनको धो के सुखा दें, खुश कर दें और वो बकरियों को खिलाएं, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? वालेकुम अस्सलाम। कोई नहीं नुकसान, आप धो के खिला सकते हैं। बस फंगस का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर पूरी धूप ना होने लगे, अच्छी तरह खुश्क ना हो, तो फिर वो स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उन्हें फिर हम रखेंगे ज़्यादा अरसा तक तो वो फंगस लग जाएगी उन्हें। तो इसलिए जो भी आप धोएं उसे अच्छी तरह धूप में खुश्क कर लें। एक चंद दिन की धूप या खुश्क होने वाली है, उसके बाद तो खुश्क ही नहीं होंगे क्योंकि धूप आगे कम हो रही है। तो इन दिनों में ये कोई एक दो हफ्ता है बस, इसमें जो खुश्क हो जाएंगे उसके बाद नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद फिर डालिएगा बिना ना, अगर डालने हैं तो वो उसी तरह ही ताज़े सालन ही डाल दिया करें। बकरियां सालन भी खा लेती हैं, लेकिन फिर खुश करके तो रखने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह उसमें फफूंदी लग जाएगी, यानी फंगस आ जाएगी, और फिर फंगस जो है जानवरों के लिए नुकसान देती है।